Hello everyone, I am Dr. Sukriti Raj. I am working as a PT faculty at Impact Paramedical and Health Institute. So today we are going to discuss about meditation. Meditation एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में सहायता करती है. आजकल क्या जो हम लोगों का लाइफस्टाइल बन चुका है उसकी वजह से हम लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ड्यू टू विच हमारे मसल में टेंशन रहती है और पेन के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं. मेडिटेशन हमारी टेंशन, स्ट्रेस, मसल में पेन, इन सब को रिड्यूस करने में सहायता करता है. स्टूडेंट्स को भी एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी और पैनिक अटैक होते हैं, ऐसे टाइम पे भी अगर वो मेडिटेशन करें तो उस चीज़ को भी वो रिड्यूस कर सकते हैं. वाइवा के टाइम, एग्जामिनेशन के टाइम, इस सब में वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. जो आजकल की यंग जनरेशन है वो आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें पूरे टाइम लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको नेक पेन के चांसेस, शोल्डर पेन के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. ये ही नहीं, इनफैक्ट उनकी टेंशन भी और इंक्रीज़ होती जा रही है. मेडिटेशन बच्चों का स्ट्रेस रिलीज़ करने में हर तरीके से सहायता कर सकता है. हम सबके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉइंट में, मसल्स में पेन ज़रूर रहती है. मेडिटेशन के बाद उन लोगों में, उन जॉइंट्स में, मसल्स में इम्प्रूव हो सकती है पेन. आप देख सकते हो कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक हमको बहुत सारी स्ट्रेस में, टेंशन में रिलीफ मिल रहा है. हम सबको पता है आजकल हाई बीपी के शिकार सभी हैं. आफ्टर दी एज ऑफ 30 हम सबको हाइपरटेंशन के बीमारी होने के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. तो ये देख सकते हो कि अगर हम मेडिटेशन करें, रिसर्च ये भी कहती है कि हमारा हाई बीपी को भी वो रिड्यूस कर सकता है. इनफैक्ट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है मेडिटेशन. हम सबको ये समझ आ चुका है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेडिटेशन इम्प्रूव कर सकती है, बट यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़, हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है मेडिटेशन का. मेडिटेशन का बेसिक प्रिंसिपल इज़ कि वी हैव नो डिज़ायर्स. जितनी भी देर आप प्रैक्टिस करें मेडिटेशन, आपको अपने माइंड में यही रखना है कि यू हैव नो डिज़ायर्स. आप इस वक्त कोई इच्छा लेकर नहीं मेडिटेट कर रहे, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है. बॉडी, माइंड, सोल, एवरीथिंग शुड बी रिलैक्स्ड. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका प्रोसीजर है क्या. सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काम होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल नॉइज़ जो कि शोर हो जाए, बच्चों का शोर, कोई ट्रैफिक की आवाज़, वो नहीं आनी चाहिए. हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए. जैसे कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपका लॉन या फिर आपका कोई पार्क जहाँ पे भी कोई आवाज़ ना आ रही हो ज़्यादा, या फिर आपकी कोई बालकनी, वहाँ पे जाकर आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आराम से बैठिए और आपको अपना पोस्चर, अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है. वहाँ पे बैठकर आपको अपनी अंदर एक गहरी सांस लेनी है. गहरी सांस लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लें. इसी के साथ जब आप ब्रीद आउट करें, मतलब एक्सहेलेशन करें, उस टाइम पे आपको अपने बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालनी है. इस प्रोसेस को आप कुछ मिनट के लिए लगातार करते रहिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी कुछ देर, मतलब कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए मेडिटेशन हर दिन. इससे आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपका माइंड बहुत ही अच्छे से रिलैक्स हो सकता है. धीरे धीरे इससे आपके बॉडी और माइंड का स्ट्रेस रिलीव होता है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है. जैसे जैसे आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, आपके बॉडी और माइंड का स्ट्रेस रिलीव होगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी. शुरुआत जब आप करेंगे मेडिटेशन की, तो हो सकता है आपको कुछ दिन दिक्कत आए कंसंट्रेट करने में, बट जब आप इसको आदत बना लेंगे, हर दिन कम से कम दिन में एक से दो बार ज़रूर प्रैक्टिस करें इसे 15 से 20 मिनट के लिए, इसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होगी.